सरोकार। श्रीवास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। 22 तारीख को सभी विदेश जाने वाले मंत्री सीएम के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। विदेश जाने वाले मंत्री अपने अनुभव को साझा करेंगे, साथ ही विदेश जाने वाले अधिकारी भी प्रेजेंटेशन में रहेंगे। अहम बात यह है कि इस प्रेजेंटेशन में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम निवेशकों की मंशा समझेंगे। बता दें विदेश जाने वाले सभी मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। एक्शन मोड में सीएम नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। 22 तारीख को सभी विदेश जाने वाले मंत्री सीएम के सामने प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। जी मयूरी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का सपना कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए, साथ ही अगर बात की जाए तो उसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वो इस 5 करोड़ का जो सपना प्रधानमंत्री का है उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से उत्पन्न करने का काम करेंगे। उसी क्रम में आपको बताएं कि प्रदेश की चौमुखी विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार तत्पर हैं, और बात की जाए तो 2 इन्वेस्टमेंट समिट के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें देश विदेश से निवेशक आकर और भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने निवेश को लगाने का उनसे आग्रह भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश की जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो भी रूरल हो या अर्बन एरियाज हो, वो पूरी तरह से डेवलप है और आप वहां आकर अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री, जहां आपने देखा कि वो अलग अलग देशों में जाकर रोड शो करते हैं और यूपी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उसके ठीक बाद अब बात की जाए तो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही उनके साथ सूबे के मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अभी विदेश होकर आए हैं, और वहाँ वो अपनी जो उत्तर प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिए तमाम ऐसे प्रेजेंटेशन रख के आए हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के 16 मंत्री विदेश जाएंगे, और विदेशों में जाकर जैसे अगर बात की जाए तो कनाडा के अंदर में दुग्ध उत्पाद यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स की अधिकतम मात्रा में वहां पैदावार होता है, इसको लेकर सूबे के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह वहां जाकर और जो भी तरीके हैं वहां दुग्ध उत्पादन के उसको वहां भारत का एक कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ दुग्ध उत्पादन में भारत का भी नाम है, तो वहां भी इस चीज़ों को रखेंगे और वहां के निवेशकों से अपनी बात को रखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में आकर और निवेश कर सकें। वहीं आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है, भयमुक्त हो चुका है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर अब जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं मंत्रियों के साथ जाएंगे, और आपको बताएं कि 4 सलाहकारों का समूह जाएगा, साथ ही आपको बताएं कि जो भी मंत्री जाएंगे उनके साथ उनके विभागाध्यक्ष जाकर वहां मंत्री के साथ संयुक्त रूप से एक प्रेजेंटेशन देंगे, साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी प्रेजेंटेशन देंगे कि आखिर वो विदेश जाकर किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो विकास है। जो जी विवांशु, जो 22 तारीख को प्रेजेंटेशन मंत्री देंगे, इसमें कौन कौन से मंत्री शामिल रहेंगे, कौन कौन सा विभाग शामिल हो सकता है? जी आपको बताएं कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जहां 5 दिसंबर को दुबई और अबू धाबी में गए और वहां मौजूद है, साथ ही साथ औद्योगिक मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जाकर और विदेश में अपने आपने देखा कि डिफेंस के तमाम ऐसे उपकरणों को देखा और साथ ही साथ उन फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश में लगाने की बात कही और आग्रह किया वहां के निवेशकों से कि आप जो भी डिफेंस से रिलेटेड यानी कि संबंधित वस्तुएं हैं आप उसे उत्तर प्रदेश में उत्पाद करें, और इसके लिए उत्तर प्रदेश आपको विशेष छूट भी देगी। उसी क्रम में आपको बताएं कि मंत्रियों का जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल भी जाएंगे, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे यानी कि लगभग 16 मंत्रियों का समूह विदेश जाएगा और कुछ जा चुके हैं।
ये सभी मंत्री विदेशों में जाकर जो उत्तर प्रदेश के अंदर में साल की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होना है, उस समिट में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों से निवेशक आ सके, साथ ही उत्तर प्रदेश की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है योगी आदित्यनाथ, उसको पूरा हो सके, उसके लिए मंत्री और जो तमाम शासन के अधिकारी हैं वो लगातार तत्पर है। देखने वाली बात ये होगी कि 2 इन्वेस्टमेंट समिट और 1 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद अब प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से निवेशक आने की बात कही जा रही है। उसी को लेकर मंत्री लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से प्रदेश की विकास की रफ्तार कितनी तेज होती है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो कितना पूर्ण हो सकता है। जी विवांशु, ये जो 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है, इससे यूपी को कितना उपयोगी होगा यूपी के लिए और कितना लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो आपने बात किया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए जहां योगी आदित्यनाथ ने इस बात को ठाना है, यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री ने ठाना है कि हम प्रदेश का जो विकास की रफ्तार है उसमें तेजी लाएंगे, साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक हैं भारत के अंदर की कंपनियों के साथ साथ जो बाहर की कंपनियां हैं उसे उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए वो तमाम ऐसे प्रावधान भी जाकर विदेशों में बता रहे हैं, तो इसे माना जा रहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो डेवलप कर सकेंगे। इससे साफ तौर से बेहतर इंफ्रा और साथ ही साथ जो तमाम अगर देखें तो जो प्रदेश की GDP है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें भी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर पूरा होता है तो उसे करने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि अगर देखें तो 2027 तक उत्तर प्रदेश के पास भाजपा सरकार है, उसके बाद चुनाव होने हैं, तो अभी एक लंबा समय है और जो लक्ष्य है उसको योगी आदित्यनाथ कितनी जल्द से जल्द पूरी करते हैं। और अगर देखें तो इससे प्रदेश का जो लगातार दावा किया जा रहा है कि चौमुखी विकास किया जा रहा है, उसमें एक मजबूत कड़ी साबित हो सकता है ये निवेश। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी है। यहां बीते दिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने जिले के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन, कचरी बस स्टैंड और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, साथ ही रैन बसेरा में रहने के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही रैन बसेरे में आश्रय लेने वाले लोगों को कंबल के साथ भोजन भी कराया। और नगर निकायों को भी इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं, एक रेन बसेरे को व्यवस्थित रूप से संचालित करें, इसमें स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें, हर जरूरतमंद को जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, गोला भटका है, सड़कों पर पटरियों पर ठिठुरता वाना दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से, और नगर निकायों को भी इस बात के लिए निर्देश। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां पर उन्होंने रेन बसेरे का निरीक्षण भी किया, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर हिमांशु? हिमांशु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की। बता दें कि गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं, जहां बीते दिन कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीएम योगी ने जिले के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन, कचरी बस स्टैंड और झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, साथ ही रैन बसेरा में रहने के दौरान होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही रैन बसेरे में आश्रय लेने वाले लोगों को कंबल के साथ भोजन भी कराया।
बता दें रैन बसेरों का हाल जानने सीएम योगी निकले थे, दो दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जरूरतमंदों को कंबल देते नजर आ रहे हैं सीएम योगी, बड़ी संख्या में जरूरतमंद नजर आ रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, गोरखपुर के दो दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं, जहां उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और गोरखपुर आने के साथ ही सबसे पहले वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं, जहां अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हैं और फिर अपने दादा गुरु दिग्विजयनाथ की प्रतिमा पे पुष्प अर्पण करके जो है उनको आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से कानून व्यवस्था की जायजा लेते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर तारामंडल स्थित अवैधनाथ पार्क पहुंचते हैं, जहाँ अवैधनाथ स्टेटिक पार्क में वो वहां पहुंच करके एक गोल शो का कार्यक्रम था, क्योंकि भारत वर्ष जो है इस बार अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां अमृत महोत्सव है। ऐसे में कल 19 तारीख का डेट था जिसमें जो है गोल शो का आयोजन किया है। काकोरी कांड एक बहुत ही फेमस कांड हुआ करता था, जिसके चौरी चौरा का ये कांड है और इतिहास में गोरखपुर को इसमें एक आजादी की लड़ाई में विशेष पहचान दिलाई थी। तो ऐसे में राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी की सजा गोरखपुर कारावास में दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को। तो ऐसे में उनकी याद में जो है ये एक आयोजन किया गया था। देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होता है, इसके 750 ड्रोन जो है पूरी तरह से काकोरी कांड को प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से ट्रेन जो है उसका लाइटिंग किया जाता है, हवा में उड़ते ड्रोन जो है उसकी एक आकृति बनाते हैं और साथ में संसद भवन का जो है आकृति बनाते हैं और चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि आजाद सेना से जो आजाद चंद्रशेखर आजाद के ग्रुप का ही एक काम था, क्रांतिकारी जो है मिलकर के ये काकोरी कांड करते हैं, तो ऐसे में उनकी आकृति बनती है। उसके बाद जो भारत हमारा विश्व पटल से दिख रहा है सितारे के रूप में, तो उस सितारे के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं और साथ में वहाँ पे बहुत अनोखा तो होता है, क्योंकि इस बार भारत जो है जी समिट का जो है अध्यक्ष है, तो ऐसे में जी समिट का जो है एक लोगो बनता है। तो उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को जागरूक भी करते हैं, उनको बताते हैं और उसके भाषण के दौरान किस तरीके से काकोरी कांड हुआ और हमको अपने इतिहास को याद रखना चाहिए, जो भी हमारे अमर शहीद है उनकी याद रखनी चाहिए। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर के रवाना होते हैं, लेकिन अचानक ही वो रैन बसेरों में पहुंच जाते हैं, गोरखनाथ रैन बसेरे से वो शुरू करते हैं, वहां पे जाते ही वो उसका अचौक निरीक्षण करते हैं, प्रशासन को तुरंत आदेश देते हैं कि इनको जो है खाने की भोजन की व्यवस्था की जाए, हालांकि कंबल भी वितरित करते हैं कई जरूरतमंद लोगों को और खाने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की पैकेट बांटते हैं। इसके बाद वे स्टेशन पहुंचते हैं और कचहरी पहुंचते हैं, कचहरी के रैन बसेरे को भी जाकर के वो देखते हैं कि किस तरीके से हुआ है, की व्यवस्थाएं हैं क्या, उनको सोने की सुविधा मिल रही, कंबल मिल रही है, भोजन मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ कहना था, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी तकलीफ ना सोए, कोई बाहर ना सोए, कोई संकट ना मिले, अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए और सभी को जो भी जरूरतमंद है उनको ले आकर रैन बसेरे में रखा जाए, कहीं भी प्रशासन इस चीज का ध्यान रखे, पुलिस भी इस चीज का ध्यान रखे, नगर निगम के कर्मचारी भी इस चीज का ध्यान रखे कि रास्ते में कोई भी अगर कहीं रिश्ता है जिसके पास आसरा नहीं है उसको रैन बसेरे में लाया जाए, उनको ठहराया जाए। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ निकलते हैं, लेकिन गोरखनाथ रैन बसेरे के पास भी कुछ महिलाएं बैठी मिलती हैं, 10 से 12 की संख्या में महिलाएं बैठी रहती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और उनसे पूछते हैं उनका हाल चाल और पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैठे हुए, क्या कारण रहा है। और इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है तुरंत डीएम के जिलाधिकारी गोरखपुर को आदेश देते हैं कि भोजन प्रदान किया जाए, उनको भोजन और कम्बल प्रदान करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे पूछते हैं कि कोई बचा तो नहीं, उससे एक महिला कहती है कि नहीं योगी जी कोई नहीं बचा है, और उसके बाद सब बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं कि योगी जी को सबसे पहले सीएम को बहुत करीब से पहली बार उन लोगों ने देखा था, कैसे कोई नहीं बचा, इसके बाद संतुष्ट होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठीक है आप लोग संतुष्ट हैं कहें हाँ, फिर वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर चले जाते हैं, मठ में जाकर विश्राम करते हैं। आज इनका दूसरा और अंतिम भी प्रभाव था जिसपे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाया, लाखों की संख्या में यहाँ लोग आए थे, इसमें से कई करीब मान के चले कि 300 से 400 लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं और उनको जो है 400 लोगों की समस्याओं को जाने हैं। कई लोगों ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया है, कई लोगों के जमीनी मामले थे, कुछ पारिवारिक विवाद थे, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उन लोग को आश्वस्त किया गया है कि सबको साथ जो है न्याय किया जाएगा। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ
खिचड़ी के मेला, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर 14 जनवरी से मेला लगता है जो 14 फरवरी तक चलता है। गोरखपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है, गोरखनाथ मंदिर का, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ मेले का जायजा आज लेते हैं और पूरी तरह से देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था है, दुकानों की क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी लगे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, महकमा अपने कितने टेंट लगा रहा है, जहाँ पे किसी को कोई भी जरूरत पड़ने पे उनकी जो है चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। इरफान सोलंकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर में कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद रात में इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बता दें कि बांग्लादेशी नागरिक के मामले में इरफान सोलंकी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को लेटर हेड देने में इरफान फंसे हैं। जानकारी मिली है कि डॉक्टर रिजवान से पूछताछ के बाद इरफान को आरोपी बनाया गया है। विधायक ने हर संभव सहायता भी की थी, आधार के फॉर्म पर भी इरफान सोलंकी ने सत्यापित किया है। इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को हेडलेटर देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें इरफान सोलंकी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर में कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद रात में इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इरफान सोलंकी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अब एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। जी, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से इरफान सोलंकी की लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, ठीक उसी क्रम में एक विवेचना चल रही थी जिसमें बीसी पे एक बांग्लादेशी के 5 परिवारों को पकड़ा गया था, जिसमें इस सभी की जांच चल रही थी। जांच में जो एक इरफान सोलंकी पे आरोप लगा था कि उन्होंने अपने लेटर पे सत्यापित किया था कि हम इनको भली भांति जानते हैं, और जिसके चलते उनका आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट भी बना था, लेकिन वो जब इसकी विवेचना चल रही थी और रिजवान वर्तमान में जेल में है और साथ में इरफान सोलंकी भी जेल में है, इस विवेचना के क्रम में जब पूरी जांच हुई है तो जांच में पाया गया है कि जो इरफान सोलंकी की जो उन्होंने लेटर दिया था, और लेटर में इरफान सोलंकी भली भांति जानते थे कि रिजवान भारत के बाहर का नागरिक है और उसको कानपुर में रहने का हक कहीं ना कहीं उनके जो लेटर था, लेटर के अधिकार से ही मिला था, जिसके चलते कल जब रिजवान से एक दिन की रिमांड ली गई थी, एक रिमांड में रिजवान ने कबूला है कि इरफान सोलंकी भली भांति मेरे और लोगों के बारे में जानते थे, मेरे परिवार के बारे में जानते थे कि मैंने सन 1998 में दिल्ली में रहकर शादी की थी कानपुर की महिला से, और इस चीज से इरफान सोलंकी और भी जो लोग थे भली भांति इस चीज से अच्छे तरीके से परिचित थे, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी जब अखिलेश यादव ने ये लेटर सत्यापित किया था तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा बता दो कि जब अखिलेश यादव ने इस चीज को सत्यापित किया था तो कल ही अखिलेश यादव कानपुर भी आए थे और उन्होंने बीजेपी पे एक बड़ा आरोप साधा था कि ये सिर्फ हमारे सपा के जितने भी विधायक हैं सबको परेशान किया जा रहा है और कहीं ना किसी बहाने से दबाव बनाया जा रहा है, और इरफान सोलंकी को जितने मुकदमे लिखे गए हैं सब साजिशन लिखे गए हैं और सिर्फ और सिर्फ सरकार एक तरफा मुकदमा कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है जिससे सपा के सारे विधायक और डर जाए और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दे। इसके अलावा ये बता दें कि जिस हिसाब से कल
अखिलेश यादव कानपुर में थे, कानपुर में उन्होंने लगातार बीजेपी को और योगी सरकार को कोसा है और कोसने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लगाया है कि जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी है इन सब चीजों के दबाव के लिए ही सरकार ये सब काम कर रही है, जिससे लोग आप इसी में उलझे रहें और सरकार के इन सब चीजों के बारे में सवाल ना उठा पाए। हालांकि इरफान सोलंकी पे एक मुकदमा लिख गया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसीपी के अनंत प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई होगी, इस पे मुकदमा घटाया बढ़ाया जाएगा, उसके बाद आगे कोर्ट में पेश की जाएगी। हालांकि रिजवान को पुलिस ने 14 दिन की रिमांड के लिए एक फिर अप्लीकेशन दिया था जिसकी सुनवाई आज होनी है। आज सुनवाई में पता हो जाएगा कि रिजवान की जो रिमांड है वो और बढ़ेगी, अगर बढ़ती है तो रिजवान को हो सकता है कलकत्ता भी ले जाया जाए, क्योंकि रिजवान कलकत्ता के रास्ते से ही भारत में आया था और कलकत्ता के रास्ते से ही भारत से जाता था। हालांकि रिजवान के बहुत से ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पाकिस्तान से उसके संबंध बताए जा रहे हैं, तो पुलिस इन सब चीजों को बहुत ही गहनता से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके देश विदेशों में बहुत ऐसी जानकारियां हैं जिससे कहीं ना कहीं देश को भी खतरा हो सकता है, जिसके चलते लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जी मयूरी, अनिल इरफान सोलंकी मामले में नई नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं इरफान की, तो क्या आगे और भी चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और वर्तमान में जितने भी लोग जो कि इरफान सोलंकी से लगातार पीड़ित हुआ करते थे और सभी लोग इस आशा में कि कहीं ना कहीं अब उनको न्याय मिलेगा, वो कानपुर कमिश्नर धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में घने कोहरे का अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की है। लखनऊ सहित यूपी के कई जिले घने कोहरे से ढह गए हैं, साथ ही किसानों को भी उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर औरैया से है जहां घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है जहां धुंध नजर आ रही है, आप देख सकते हैं ठंड का कहर जारी है, वहीं तीसरी तस्वीर लखनऊ से है, आप देख सकते हैं कोहरे से धुंध बना हुआ है, वहीं गाड़ियों की आवाजाही में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो है देखा जाए कोहरे की जो प्रकोप जो है पूरी तरह से जारी है और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कोहरा है वो अपना पूरी देख रहा हूँ साफ तस्वीरों में वीडियो के माध्यम से कि जो कोहरा है पूरा कानपुर में पूरा अपना चादर ओढ़ रखा है और ठंड को लेकर के लगातार कल से लेकर के और ठंड की बढ़ोतरी होती जा रही है और दिन में भी लगभग देखा है तो पूरी तरीके से तापमान जो है वो एक गलन टाइप का हो रहा है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखा है तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से जो अलर्ट कर चुका है, दो दिन के लिए अलर्ट कर चुका है, मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है और साफ कहना है लोगों के लिए कि जो हार्ट के पेशेंट है वो अपनी जो सुरक्षा जो अपने स्वयं खुद रखें और जो भी इस तरह के मरीज जिनको सर्दियों में दिक्कत होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित खुद रहे, घरों में रहें और उसके बाद कहने का देखा है तो जिला प्रशासन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश किया हुआ है जिला प्रशासन को रैन बसेरा को लेकर के और देखा जाए कहीं ना कहीं अभी तक कानपुर नगर निगम को और जिला प्रशासन ने जो माध्यम से जो प्रमुख चौराहों पर जो लकड़ी का बंदोबस्त किया था वो अभी कुछ इस तरह का कोई प्रावधान अभी नहीं चालू हुआ है और देखना सवाल ये है कि जो ये ठंड का प्रकोप है इससे जो है जिला प्रशासन या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा सूबे के साथ उपेंद्र अस्थाना कानपुर जो है देखा जाए। बता दें कड़ाके की ठंड ने राजधानी में दस्तक दे दी है। आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर औरैया से है, वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है और तीसरी तस्वीर लखनऊ से है, आप देख सकते हैं
कोहरे के कहर से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। औरैया की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं डिवाइडर पर कार चढ़ी हुई नजर आ रही है, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। वहीं कानपुर की दूसरी तस्वीर है जिसमें कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर लखनऊ से है जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार कोहरे के कारण हादसे हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई गाड़ियां आपस में भिड़ी हुई नजर आ रही हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे, वहीं औरैया से जाहिद हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले हम कानपुर से उपेंद्र का रुख करेंगे। उपेंद्र, राजधानी में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, आप कानपुर में मौजूद हैं। कानपुर की तस्वीरें सामने आई है जहां कोहरे नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? दो दिन से लगातार कोहरे का पूरा प्रकोप जो है वो बिल्कुल जारी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ठंड को लेकर के जो कानपुर में नेशनल हाईवे है, जो प्रमुख चौराहे हैं, उन पर जो देखा जाए तो पूरी तरीके से आदमी बड़ा संभल के चल रहा है कि किसी प्रकार कोई दुर्घटना होना हो जाए। अभी हाल ही में औरैया में देखिए बड़ी घटना हुई है, उसके बाद देखा है तो कानपुर में घटना हुई है, और उसके बाद रामा देवी फ्लाई ओवर हमीरपुर पे भी एक घटना हुई है। इसको देख कर देखता है तो जो NHAI जो रोड लाइटें चलती है वो रोड लाइटें जो है वो जल नहीं रात में और पूरी तरीके से लापरवाही नजर आ रही है। और रही बात ठंड की, तो अभी तक कानपुर जिला प्रशासन को और नगर निगम को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि पूरी तरीके से रैन बसेरे की जो व्यवस्था सुचारू से चालू कर दिया है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी देखने वाली ये बात है कि नगर निगम द्वारा और जो देखा है तो जो जिला प्रशासन द्वारा जो है प्रमुख चौराहों पर जो है अभी अलाव किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, रुक करेंगे औरैया से जाहिद का। जाहिद, आप औरैया में मौजूद हैं, ठंड ने दस्तक दे दी है, वहां की क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में ही ठंड का कहर जारी है, कई कई दो दिन से बराबर कोहरा भी पड़ रहा है यहाँ पर। वही अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो बराबर उन्होंने जिला प्रशासन ने कई जगह अलाव के भी इंतजाम किए गए हैं, पर कोहरे के चलते हादसे भी रुकने के नाम नहीं ले रहे। अगर बात की जाए कल तो और ये जिले के अंदर बिदुना क्षेत्र के पास एक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। वही अगर आज बात की जाए सवेरे तो एक दिल्ली से चलकर पपून की ओर जा रहे एक 4-व्हीलर जो नहर में जाकर लटक जाती है, जिसमें सभी लोग बाल बाल बच जाते हैं। बताया जा रहा है गाड़ी में 6 लोग सवार थे, 6 लोग सवार थे, पर ड्राइवर की सूझबूझ से सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। जी जाहिद, रुक करेंगे उपेंद्र का। उपेंद्र, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, तो कानपुर में किस तरह से व्यवस्था की गई है, फिर चाहे वो रैन बसेरे को लेकर हो या जरूरतमंदों की किसी भी चीज की, कैसी व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए? ये मैं बताता हूँ, कानपुर का DM है उनका और जो कानपुर के स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका एक अपील आई है कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, वो लोग ठंड से अपने को बचाए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से जो निरोगी लोग हैं उनको, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ठंड से बचना है, और जो नाबालिग बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं वो किसी तरीके से मतलब बिना वस्त्र के बाहर ना निकले, जिससे ठंड के कारण इनको पैरालिसिस मारने का अटैक पड़ता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और रैन बसेरे की पूरी तैयारी चालू कर ली गई है, पर नगर निगम को सवाल उठता जा रहा है कि नगर निगम निकाय चुनाव में नजदीक आ चुके हैं, पर पूरी तरीके देखा जाए तो अभी तक किसी भी प्रमुख चुनाव में कानपुर के जो है अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और ठंड जो है उसका पूरा प्रकोप बिल्कुल जारी है कानपुर में। जी, एक बार फिर से मैं जाहिद का रुख करूंगी। जाहिद, औरैया में किस तरह से व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए, और क्या कुछ मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा जगह जगह अलाव के इंतजाम कराए गए, वही रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर सैनिटाइजर प्लस मास्क की भी व्यवस्था की गई है। जो भी बाहर मुसाफिर आता है रैन बसेरे में तो उसका ID प्रूफ लेकर ही उसको एंट्री दी जाती है। औरैया से धन्यवाद जाहिद आपका, और कानपुर से उपेंद्र आपका धन्यवाद।
कड़ाके की ठंड ने दस्तक दी है। बता दें दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में घने कोहरे के अनुमान है। इसके अलावा मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की है। लखनऊ सहित यूपी के कई जिले घने कोहरे से ढह गए हैं। बता दें कई जिले कोहरे से ढक गए हैं, साथ ही किसानों को भी उनकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, राजधानी में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, वहीं मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी, यही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो ठंड का कहर है वो धीरे धीरे साथ ही अब कहीं ना कहीं सड़कों पे अब घने कोहरे के चलते आपने देखा कि कल एक्सीडेंट ऐसी कई सारी खबरें आई, जिसके चलते लखनऊ एक्सप्रेस की खबर भी आपने देखी, जहां घने कोहरे से लोगों पे गाड़ियां आपस में भिड़ते हुए नजर आई। इसका साफ तौर से असर आप देख सकती हैं कि कहीं ना कहीं कोहरे को लेकर जहां प्रदेश सरकार अगर देखे ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। साथ ही अगर बात की जाए तो हर एक लोकल बॉडी यानी कि नगर निगम निकाय या जो तमाम म्युनिसिपालिटी के लोग हैं उनकी तरफ से हर नगरों में साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं कि चौराहों पे अलाव जलाए जाए। वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां अलर्ट घोषित करते हुए भारी ठंड होने की आशंका जताई गई है। वहीं मयूरी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के तरफ से एक एडवाइजरी जारी करते हुए कल कहा गया कि 11 बजे के बाद जो भी बसें अलग अलग रूटों में उत्तर प्रदेश के अंदर या आसपास के जो राज्य हैं उसमें जाती हैं वो 11 बजे के बाद नहीं जाएंगी। साथ ही 11 बजे की बाद की बसों को सुबह के समय शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश सरकार इसके लिए ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए लगातार तत्पर है। वहीं अगर बात की जाए तो वैन बसेरों का भी निर्माण किया गया है, मगर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है मयूरी कि अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे सड़कों पर बैरिकेडिंग की जाती है, उन बैरिकेड्स पे कहीं ना कहीं मीडियम नजर नहीं आते हैं, जिसके वजह से वो घटना को एक दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ठंड से प्रबंधन को लेकर सरकार क्या और नए फैसले और पैतरे अपनाती है। जी जी विवांशु, जिस तरह ठंड ने और कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है, अगर आप लखनऊ में मौजूद हैं तो किस तरह की व्यवस्था की गई है ठंड को देखते हुए, फिर चाहे वो रैन बसेरों को लेकर हो या जरूरतमंदों के खाने पीने की हो? जी, अगर बात की जाए मयूरी तो लखनऊ की अगर बात करें तो आज सुबह घना कोहरा था, मगर अगर देखें तो 9:30 बजे के करीब जब धूप निकलता है तो लोग को इस कोहरे और ठंड से राहत मिलते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की तो नगर निगम की तरफ से जो बड़े चौराहे हैं वहां अलाव की व्यवस्था की गई है, मगर अभी कहीं ना कहीं जो विभाग के नगर निगम के कर्मचारी हैं उसकी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि अभी अलाव महज कुछ चौराहों पे नजर आ रहा है। जो जो अगर देखें तो ऐसे कई सारे छोटे चौराहे भी हैं जहां व्यवस्था की जाती है, वहां अभी अलाव नहीं जलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कंबल वितरण का जो योजना है कि गरीबों को कंबल वितरण किया जाए, उसमें उन्होंने 2 दिन पहले जनप्रतिनिधियों से आग्रह करके निवेदन किया था कि आप जो कंबल वितरण कार्यक्रम है उसमें अपनी सहभागिता दें और इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूरा करके गरीबों को कंबल वितरित किया जाए। वहीं अगर बात की जब वापस लौटे लखनऊ की तो लखनऊ में ऐसे कई सारे वैन बसेरे बनाए गए हैं जहां पौष्टिक आहार दिए जा रहे हैं। साथ ही ऐसे कई सारे वैन बसेरों में सुबह के वक्त व्यायाम की भी सुविधा दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए मयूरी तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो चापबाग, मवैया, आलमबाग, चिन्हट ऐसे कई सारे क्षेत्रों में जो रिक्शे वाले हैं, जो गरीब भीख मांगने वाले लोग हैं यानी कि जो पर दिन कमाकर और अपने जीवन यापन करते हैं, उन्हें भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वैन बसेरे तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। और एक खास अगर देखें
तो नगर निगम की तरफ से गरीबों के बीच जागरूकता को लेकर काम नहीं किया गया है, जिसका जीता जागता आप उदाहरण देख रही है कि रनबसेरा बनाने के बावजूद लोग रनबसेरे में शिरकत नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ठंड को लेकर और गरीबों को कंबल बिछाने तमाम प्रबंधन पे बात कर रहे हैं, मगर लखनऊ का नगर निगम जागरूकता और अलाव में कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है। जी धन्यवाद वांसु तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।